हेलो गाइस, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक फील्ड सेट बनाना होगा और उसके ऊपर आपको एक टेक्स्ट लिखना होगा रजिस्ट्रेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो बॉडी सेक्शन है उसके इनसाइट में फिल सेट बनाने के लिए फिल सेट एक टैग होता है HTML के इनसाइट, उसका यूज़ कर रहा हूँ। और इसके ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पर लीजेंट एक टैग होता है उसका यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ रजिस्ट्रेशन। चलिए इसे सेव करते हैं और रन करके चेक करते हैं कि किस तरह का दिखाई दे रहा है। राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का दिखाई दे रहा है। इसका विड्थ तक कम करते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करके ऑरेंज करते हैं। चलिए इसके लिए मैं यहाँ पर CSS अप्लाई करूँगा। CSS अप्लाई करने के लिए हेड सेक्शन के इनसाइट में यहाँ स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा। फिल सेट के ऊपर मुझे CSS अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर फिल सेट को डिफाइन करूँगा और इसका जो विड्थ है सबसे पहले मैं उसको 300 पिक्सल कर दूंगा इस तरीके से। चलिए सेव करते हैं और रीलोड करके चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो विड्थ है वो 300 पिक्सल हो चुका है। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम यहाँ ऑरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ। चलिए इसे सेव करते हैं और रीलोड करके चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो चुका है, ऑरेंज हो चुका है। अब हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, बहुत आसान है। हम यहाँ पर जो फिल सेट है उसके इनसाइट सबसे पहले फॉर्म टैग यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ फॉर्म बनाना है। अब लेआउट के लिए हम यहाँ पर टेबल लेआउट यूज़ करेंगे। इसके इनसाइट सबसे पहला रो हम बनाएंगे, उसके लिए हम TR टैग यूज़ करेंगे। इसके इनसाइट हम दो कॉलम बनाएंगे, इसके लिए हम TD टैग यूज़ करेंगे। जो पहला वाला कॉलम है उसके इनसाइट हम लिखेंगे यूज़र नेम। और इसके लिए हमें एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है तो दूसरे वाले कॉलम में हम एक इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम दे देंगे हम यहाँ पर UNA। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं यहाँ पर UNAME दे रहा हूँ, यानी कि यूज़र नेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसे रीलोड करके चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रीलोड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यूज़र नेम के बाद हमें फर्स्ट नेम बनाना है, लास्ट नेम बनाना है। तो चलिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी बनाकर देख लेते हैं, बहुत आसान है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बनाने के लिए इस वाले कोड को, यानी कि ये जो रो है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर यूज़र नेम की जगह मैं क्या लिख दूँगा, फर्स्ट नेम। और यहाँ पर यू नेम की जगह मैं एफ नेम लिख दूंगा। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए रीलोड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम भी हमारा बन चुका है। वापस आते हैं, अब हम एक बार और पेस्ट करते हैं। यहाँ पर अब यूज़र नेम की जगह मैं कर देता हूँ लास्ट नेम। और यहाँ पर यू नेम की जगह मैं एल नेम कर देता हूँ, एल नेम का मतलब होता है लास्ट नेम। चलिए सेव करते हैं इसे और रीलोड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लास्ट नेम भी बन चुका है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब हमें ईमेल बनाना है और पासवर्ड बनाना है। तो चलिए ईमेल और पासवर्ड भी बनाकर देखते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पर मैं एक बार और पेस्ट करता हूँ। कॉपी मैंने एक बार किया हुआ है इस वजह से मैं केवल पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर यूज़र नेम हटाकर मैं ईमेल लिख दूंगा
और यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह मैं लिखूँगा ईमेल, क्योंकि ईमेल के लिए हम ईमेल फील्ड यूज़ करते हैं। और ऐसा करने से बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप गलत ईमेल डालते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। और यहाँ पर नेम की जगह मैं लिख देता हूँ ईमेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और रीलोड करके चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल बन चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक बार और पेस्ट करता हूँ। अब हम पासवर्ड फील्ड बनाएंगे। यहाँ पर यूज़र नेम हटाकर मैं लिख दूँगा पासवर्ड, और यहाँ पर इनपुट टाइप में लिखूँगा पासवर्ड, और यहाँ नेम में भी मैं लिख दूँगा पासवर्ड। आप नेम में कुछ भी नेम लिख सकते हैं, बट इनपुट टाइप आप पासवर्ड लिखेंगे। चलिए सेव करते हैं इसे और मैं रीलोड करके चेक करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड फील बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पासवर्ड के बाद अब हमें क्या बनाना है यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर अब हमें कॉन्टेक्ट बनाना है, ये मोबाइल नंबर के लिए होता है। तो चलिए कॉन्टेक्ट बना लेते हैं, बहुत आसान है कॉन्टेक्ट बनाना। मैं एक बार और वापस से इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर यूज़र नेम हटाकर मैं कॉन्टेक्ट लिख देता हूँ, और यहाँ इनपुट टाइप में मैं लिखूँगा नंबर, और यहाँ पर जो नेम है यहाँ पर मैं लिख दूँगा कॉन्टेक्ट। चलिए सेव करते हैं, रीलोड करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कॉन्टेक्ट बन चुका है। यहाँ पर इस तरीके से नंबर वाला सिस्टम सेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अब हमें बनाना है कलर वाला ऑप्शन। चलिए बहुत आसान है, एक बार और पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर यूज़र नेम हटाकर लिख दूँगा कलर, और यहाँ पर इनपुट टाइप हम लिखेंगे कलर, नेम में भी हम लिख देंगे कलर। चलिए सेव करते हैं, रीलोड करके चेक करते हैं। यहाँ पर आते हैं, रीलोड करते हैं, आप देख सकते हैं कलर वाला ऑप्शन सेट हो चुका है। क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, कलर के बाद अब हमें यहाँ पर लैंग्वेज सेट करना है। इसके लिए चेकबॉक्स बनाने होते हैं, तो चलिए चेकबॉक्स बना लेते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर यूज़र नेम की जगह मैं लिख दूँगा यहाँ पर लैंग्वेज। एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा लैंग्वेज का नॉलेज हो सकता है, तो यहाँ पर हम इनपुट टाइप में लिखेंगे चेकबॉक्स। यहाँ पर हम कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ सी। और वैल्यू का ज़रूर यूज़ करना है आपको, यहाँ पर आप वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करें और उसके इनसाइड जो भी लैंग्वेज का नेम आप लिखना चाहते हो वो यहाँ लिखें और बाहर भी लिखें। चलिए अब इस वाले लाइन को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और हिंदी के बाद मैं यहाँ पर वैल्यू में इंग्लिश लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। चलिए जो नेम है हम सेम ही रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो नेम है ये एक अरे का नेम होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी भी आप लैंग्वेजेस सिलेक्ट करेंगे वो सारी की सारी एक ही अरे के इनसाइड जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रीलोड करके चेक करके देखते हैं इसे। तो यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ, सेव नहीं किया है शायद मैंने अभी, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और वापस आते हैं यहाँ पर, रीलोड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे चेकबॉक्स बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हमें क्या लेना है, अब हमें यहाँ पर सिटी बनाना है।
आप सिटी हो, ब्लड ग्रुप हो, स्टेट हो या कंट्री हो, सबके लिए सिलेक्ट ऑप्शन ही यूज़ करते हैं। तो चलिए बनाकर देख लेते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। और यहाँ पर मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ एक रो को, कोई भी रो कॉपी कर सकते हैं आप, ताकि आपको ज़्यादा कोड लिखना ना पड़े। यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिटी। यहाँ पर आपको इनपुट फील्ड यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट टैग यूज़ करना है। यहाँ पर सिलेक्ट में आपको नेम देना है, आप सिटी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर नेम आप सिटी दें। इसके बाद आपको इस सिलेक्ट के इनसाइड ऑप्शन यूज़ करना है। ध्यान दें, जो भी ऑप्शन आप यूज़ करेंगे यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, और इसके इनसाइड सबसे पहले वाले को आप खाली रखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे सिलेक्ट, और इस वाले लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, एक बार और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं नीमच लिख देता हूँ सिटी में, और वैल्यू में भी मैं नीमच लिखूँगा। अगर आप वैल्यू में नहीं लिखेंगे तो डेटाबेस के इनसाइट ये वैल्यू नहीं जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैं इंदौर लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं इंदौर लिख देता हूँ। चलिए सेव करते हैं इसे, रीलोड करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने रीलोड किया, आप देख सकते हैं सबसे पहले सिलेक्ट दिखाई दे रहा है, इसके बाद जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो सिटी यहाँ पर आ जाएगी। कोई भी एक सिटी ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति एक ही सिटी में रह सकता है एक टाइम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पर जेंडर, जेंडर बनाना भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर आते हैं और कोई भी एक रो कॉपी कर लेते हैं, तो मैं इस रो को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये जो सीक्वेंस आप बना रहे हैं ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कलर हटाकर मैं जेंडर लिखूँगा। यहाँ पर इनपुट टाइप आप रेडियो लिखेंगे, क्योंकि जेंडर के लिए रेडियो बटन बनता है, किसी का भी एक ही जेंडर हो सकता है, इस वजह से हम यहाँ रेडियो बटन बनाते हैं। और रेडियो बटन बनाने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि ऊपर नीचे दोनों जगह आपको नेम सेम रखना है। नेम सेम रखेंगे तभी यहाँ पर ओवरलैप होगा। यहाँ वैल्यू का यूज़ करना ज़रूरी है। यहाँ जेंडर में मैं मेल लिख देता हूँ, और बाहर भी आपको लिखना है ताकि दिखे। ठीक है, अब ये वाला जो लाइन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। नेम सेम रखना है आपको, ध्यान ये देना है। यहाँ पर मैं फीमेल लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं फीमेल लिख देता हूँ। सेव करता हूँ। चलिए रीलोड करके चेक करते हैं। यहाँ पर हमने रीलोड किया, आप देख सकते हैं जेंडर, यहाँ मेल पे क्लिक करूँगा और फिर फीमेल पे क्लिक करूँगा तो मेल पे से हट जाएगा, और ये तभी हो सकेगा जब आप नेम सेम रखेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमें क्या बनाना है, अब हमें एड्रेस बनाना है। एड्रेस बनाने के लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं, तो बहुत आसान है, चलिए बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक रो हम वापस से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े। तो मैं इस रो को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इस रो के बाद पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड्रेस, और यहाँ पर आप इनपुट फील्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में रोज़ और कॉलम्स होते हैं, तो सबसे पहले मैं रोज़ दे देता हूँ यहाँ पर 5, और जो कॉलम्स है वो दे देता हूँ मैं 18, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। नेम ज़रूर दे यहाँ पर, मैं नेम दे रहा हूँ यहाँ पर एड्रेस, और सेव करते हैं इसे। चलिए रीलोड करके चेक करते हैं। यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ, आप देख सकते हैं एड्रेस के लिए यहाँ पर हमारा
जो टेक्स्ट एरिया है वो बन चुका है, इसमें हम अपना एड्रेस डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमें यहाँ पर सेव बटन बनाना है जो कि एक सबमिट बटन है। फॉर्म में हमेशा सबमिट बटन यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोई भी एक रो में कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इस रो को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद हम नीचे आते हैं, सबसे नीचे, और यहाँ पर इस रो के बाद पेस्ट कर देंगे। ये वाला जो कॉलम है हमें खाली छोड़ना है ताकि कुछ स्पेस हमें दिखाई दे। इसके बाद यहाँ पर इनपुट टाइप हमें लिखना है सबमिट, इस तरीके से। नेम में भी आप लिख दें सबमिट, और यहाँ पर वैल्यू का यूज़ करना है आपको, और उसके इनसाइट आप लिख दें सेव, ताकि जो बटन का नेम है वो बन जाए सेव। चलिए अब इसे सेव करते हैं और रिलोड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रिलोड कर रहा हूँ, सेव बटन भी बन गया है, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा तैयार है। आप इसे देखें और इसे देखें, दोनों एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने HTML के इनसाइट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सीखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।